धाम धनी श्री अक्षरातीत, पूज्य महाराज श्री, उपस्थित ज्ञानपीठ के सभी आचार्य, मेरे अनुज तुल्य ज्ञानपीठ के सभी छात्र और उपस्थित सभी सुंदर साथ, सर्वप्रथम आप सभी को मेरा प्रणाम और गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। दक्षिणायन की ये पहली पूर्णिमा समस्त हिंदू जगत में गुरु पूर्णिमा के नाम से मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा को लेकर के बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। सामान्यतः सनातन धर्म के अंदर गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सनातन धर्म के सभी पुराणों के रचयिता व्यास जी का जन्म इसी दिन हुआ था। इसी प्रकार बौद्ध धर्म में यह मान्यता है कि निर्वाण की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने इसी दिन सबसे पहले अपना प्रवचन दिया था। और इसी प्रकार जैन धर्म में मान्यता है कि महावीर के शिष्य गौतम स्वामी ने इसी दिन जैन धर्म में दीक्षा ली थी। यदि साधारण शब्दों में कहा जाए तो गुरु पूर्णिमा एक दिन है, एक अवसर है, एक ऐसा दिवस है जिसमें एक शिष्य अपने गुरु के प्रति कृतार्थ की भावना से भर जाए। हिंदू समाज और वैदिक संस्कृति की यह परंपरा रही है कि इसमें संसार की छोटी से छोटी चीज के प्रति भी कृतज्ञता को व्यक्त किया गया है। यदि वैदिक साहित्य को पढ़ा जाए तो वेद की अनेक सूक्तियों के अंदर, अनेक मंत्रों के अंदर इस संसार में मानव के कल्याण हेतु सभी पशु पक्षियों, सभी वनस्पतियों, सभी औषधियों का कृत्याग व्यक्त किया गया है। और यही नहीं, इस संसार के जड़, स्थिर और जराबर सभी वृक्षों, नदियों और पर्वतों तक का भी कृतार्थ प्रकट किया गया है। एक माँ एक बालक को जन्म देती है, 9 माह तक उसे अपने गर्भ में रखती है, फिर प्रसव की पीड़ा को सहन करती है, फिर बालक का जन्म होता है और 1 साल तक उसे अपने दूध से उसका पालन पोषण करती है। संभव है कि उस माँ की संतान कभी उसके इस उपकार का ऋण नहीं चुका सकती। उसी तरह एक पुत्र है जो आजीवन प्रयास करता है, सुबह से लेकर शाम तक श्रम करता है अपनी संतान की उन्नति के लिए। एक पुत्र चाहे तो अपने पिता के इस ऋण को चुका नहीं सकता। माता और पुत्र पिता के बाद एक व्यक्ति को संसार में ऐसा गुरु मिलता है जो उसे लौकिक शिक्षा देता है। लौकिक शिक्षा को हासिल कर वो अपने जीवन में किसी कार्य क्षेत्र को चुनता है और उस लौकिक गुरु की इस कृपा को, इस ऋण को भी चुकाया नहीं जा सकता। लेकिन जब किसी व्यक्ति के ऊपर परब्रह्म अक्षरातीत परमात्मा की अति विशेष कृपा होती है तब उसके जीवन में एक सद्गुरु का आगमन होता है जो उसे संसार के अंधकार से हटाकर परब्रह्म अक्षरातीत परमात्मा के सत्य सूर्य रूपी प्रकाश के ओर इंकित करता है। संभव है कि जन्मदायिनी उस माँ के ऋण को चुकाया जा सके। संभव है कि जीवन के पालक पोषक उस पिता के ऋण को चुकाया जा सके। और संभव है कि संसार में लौकिक शिक्षा देने वाले उस गुरु के ऋण को चुकाया जा सके। लेकिन जो सतगुरु संसार में व्यक्ति को इस माया के अंधकार से हटाकर परब्रह्म रूपी सूर्य की तरफ ले जाता है, जो सतगुरु एक व्यक्ति को संसार के माया पाशों से हटाकर
अमृत रूपी परब्रह्म के रस का पान कराता है, जो सदगुरु संसार के नश्वर संबंधों से छुड़ाकर उस परब्रह्म के साथ एक शाश्वत संबंध को जोड़ता है, और जो सदगुरु संसार की सभी तृष्णाओं को समाप्त करके व्यक्ति के मन में उस परब्रह्म के दीदार, उस ब्रह्म परब्रह्म के साक्षात्कार की एक अभिस्य पिपासा को पैदा कर देता है, उस सदगुरु के ऋण को जन्मों जन्मों में भी नहीं चुकाया जा सकता। वैसे तो तारतम वाणी में स्पष्ट कहा गया है कि सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनिस चरणे रहूं। हमारे सदगुरु अक्षरातीत परब्रह्म हैं और उनकी अर्धांगिनी आनंद स्वरूपा श्यामा जी, जिन्होंने इस संसार के अंदर इस तारतम रूपी सूरज को प्रकाशित किया। लेकिन लीला तौर पर हम सभी के हृदय में ब्रह्म ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए अक्षरातीत किसी न किसी को चुनते हैं, जो इस संसार में हमें सत्य ज्ञान का प्रकाश कराता है। यदि हम इस संसार के अंदर अपनी बीतक को देखें, परमहंसों के इतिहास को देखें, तो उन्होंने इस संसार के अंदर सद्गुरु शब्द का एक नया आयाम जोड़ा है। एक शिष्य और एक सद्गुरु को एक स्वामी और सेवक ना बना करके एक अनूठी पहचान तारतम वाणी ने दी है। जैसा कि सभी कह रहे थे कि तुम सतगुरु दीपक भये कियो जो आप समान, तारतम वाणी ये उद्घोष करती है। सतगुरु वो है जो अपने हृदय में उदित हुए ज्ञान रूपी सूर्य को आपके हृदय में भी उदित कर दे। सतगुरु वो है जो अपने हृदय में ज्ञान रूपी बहती हुई गंगा को आपके हृदय में भी प्रवाहित कर दे। सतगुरु वो है जो अपने हृदय में आनंद रूपी जो सागर उमड़ रहा है, आपके हृदय में भी उसको उबेल दे। यदि हम अपने परमहंसों को देखें, अपने हादी को देखें, आपने बीतक में पढ़ा होगा कि मेराज ठाकुर जब देवचंद्र जी के पास आते हैं, उनकी अवस्था 12 वर्ष की थी। 12 वर्ष की अवस्था में इतना त्याग, इतना समर्पण और अपने सद्गुरु के प्रति इतना प्रेम कि वो बस एक बार देवचंद्र जी के पास आए, जाहिरी रूप से वापस अपने घर तो गए, लेकिन उनका मन हमेशा अपने सद्गुरु के चरणों में रहा। मुकुंद दास जी ने तो कभी शिव जी को देखा भी नहीं, केवल 4 शब्द सुने, और वो 4 शब्द उनके हृदय को ऐसा प्रस्फुटित कर देते हैं कि अपना सब कुछ छोड़कर सद्गुरु के पीछे निकल जाते हैं। छत्रसाल जी का जीवन हम सब के लिए अनुकरणीय है। छत्रसाल जी आते हैं शिरजी को अजमाने, लेकिन ऐसी कृपा होती है, उनके हृदय से ऐसा समर्पण का झरना फूटता है कि जब तक रहे अपना तन मन धन अपने सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। ये सभी परमहंस, यही लीला बड़े महाराज जी की थी। सरकार श्री ने भी त्याग और समर्पण के द्वारा अपने सद्गुरु को रिझाया, और हमारे बीच स्वामी जी भी विराजमान है। उन्होंने आज 30 से अधिक ग्रंथों की रचना की। आज ये प्राणनाथ ज्ञानपीठ उनकी सेवा, त्याग और समर्पण का परिणाम है, जो पूरे संसार में शांति का संदेश दे रहा है। आज गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर मैं ज्ञानपीठ के छात्रों और ज्ञानपीठ के आचार्यों से भी कुछ बात करना चाहूँगा। ज्ञानपीठ के छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं। ज्ञानपीठ के सभी छात्रों से ये अपेक्षा है कि उनके हृदय में अपने आचार्यों के प्रति सम्मान हो, जैसा सम्मान आपके हृदय में अपनी माता के लिए है, जैसा सम्मान आपके हृदय में अपने पिता के लिए है, उससे भी करोड़ गुना सम्मान आपके हृदय में आपके आचार्यों और आपके गुरु के लिए हो। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन अपने आचार्य के प्रति श्रद्धा, अपने गुरु के प्रति समर्पण आपको इस संसार में बहुत आगे लेकर के जाएगा। और ज्ञानपीठ के सभी आचार्य, ज्योति माता जी, चौहान जी, दीप्ति बहन, आचार्य अशोक, आचार्य सुभाष, आचार्य विजय, रंजीत और श्रवण, जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं,
सबसे पहले इस ज्ञानपीठ के अंदर जितने भी बच्चे हैं उन सभी का जो भविष्य है वो इस ज्ञानपीठ का भविष्य है। और वर्तमान हालात को अगर देखा जाए तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि जो इस ज्ञानपीठ का भविष्य होगा वही इस निजानंद संप्रदाय का भविष्य होगा। तो ज्ञानपीठ के जो भी आचार्य यहाँ पर उपस्थित हैं, आपने इस महान यज्ञ में जो सहयोग दिया है आपका बहुत बहुत आभार। परमधाम में जिस दिन आप राज्य के समक्ष होंगे आपके इस कार्य की बहुत सराहना होगी और आप प्रशंसा के पात्र होंगे। आपकी ये निष्काम सेवा आपको बाकी सभी सुंदर साथ से कहीं आगे लेकर के जाएगी। लेकिन स्मरण रहे कि ज्ञान देने से कोई आचार्य नहीं बन जाता, ज्ञान देने से कोई गुरु नहीं बन जाता। जिस तरह एक माता केवल जन्म देने से माँ नहीं बन जाती, वो 9 महीने तक संतान को अपने गर्भ में रखती है, फिर प्रसव की पीड़ा को झेलती है और उसके बाद छोटे शिशु का रात रात भर जाग करके पालन पोषण करती है, तब जहा करके कहीं उसको माँ का दर्जा हासिल होता है। तो हम सभी आचार्यों के मन में भी ये स्मरण रहे कि हमारा काम केवल बच्चों को शिक्षा देना ही नहीं बल्कि उनका सर्वांगीण विकास है। ये जो बच्चे हैं ये एक मिट्टी के लोथ की तरह हैं, ये मिट्टी के लोथ रहें या आप एक शिल्पकार बनकर के इससे इनमें से एक सुंदर मूर्ति का निर्माण करें, ये केवल और केवल आप पर निर्भर है। तो अब समय का ज़्यादा ध्यान रखते हुए अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि गुरु पूर्णिमा के दिन यदि हमारे हृदय में अपने सतगुरु के लिए सच्चा समर्पण है तो हमारी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा यही होगी कि जो मार्ग जो रास्ता हमारे हादी ने चल करके दिखाया हम भी उस रास्ते पर चलें। और वर्तमान में जिसके माध्यम से भी आपको तारतम ज्ञान मिला, जिसके माध्यम से भी आपके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ, आप उसकी रहनी को देखें और उनकी रहनी को अपने जीवन में भी आत्मसात करने का प्रयास करें। मेरी सभी सुंदर साथ से शुभकामनाएँ हैं कि सभी सुंदर साथ के हृदय में ध्यान चितवनी और रहनी की त्रिवेणी बहे। और मेरी अक्षरातीत से प्रार्थना है कि समस्त सुंदर साथ ही नहीं इस संसार के सभी प्राणियों के हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो, सभी के हृदय में प्रेम की गंगा बहे ताकि एक परस्पर सौहार्द का वातावरण इस विश्व में कायम हो और सुख शीतल करु संसार जो उद्घोष महामति ने आज से 400 साल पहले किया था एक बार कलयुग की इस धरा पर फिर से वो घटित हो जाए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को आराम दूंगा। प्रणाम।